अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लोग ताज महल की तामीर को मोहब्बत की अलामत करार देते हैं, मगर यकीन करें कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तामीरात की दुनिया में मोहब्बत और अकीदत की मेराज है। तुर्कों ने जब मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा किया तो उन्होंने अपनी वसी व अरीज़ रियासत में ऐलान किया कि उन्हें अमारत साजी से मुतल्लिक फ़नून के माहरीन दरकार हैं। ऐलान करने की देर थी कि हर इल्म के माने हुए लोगों ने अपनी खिदमात पेश की। सुल्तान के हुक्म से इस्तंबोल के बाहर एक शहर बसाया गया जिसमें इतराफ़ आलम से आने वाले इन माहरीन को अलग अलग मोहल्लों में बसाया गया। उसके बाद अकीदत और हैरत का ऐसा बाब शुरू हुआ जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। खलीफा वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा फरमा रवा था, वो नए शहर में आया और हर शोबे के माहिर को ताकीद की कि अपने ज़हीन तरीन बच्चे को अपना फ़न इस तरह सिखाए कि इसे यकता व बेमिसाल कर दे। इसी असना में तुर्क हकूमत इस बच्चे को हाफ़िज़े कुरान और शाहसवार बनाएगी। दुनिया की तारीख का ये अजीबो गरीब मनसूबा कई साल जारी रहा। 25 साल बाद नौजवान की ऐसी जमात तैयार हुई, ना सिर्फ अपने शोबे में यकताए रोज़गार थे बल्कि हर शख्स हाफ़िज़े कुरान और बामल मुसलमान भी था। ये लगभग 500 लोग थे। उसी दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नई कानें दरियाफ्त कें, नए जंगलों से लकड़ियां कटवाईं, तख्ते हासिल किए गए और शीशे का सामान बहम पहुंचाया गया। ये सारा सामान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के शहर पहुंचाया गया तो अदब का ये आलम था कि उसे रखने के लिए मदीना मुनवरा से दूर एक बस्ती बसाई गई ताकि शोर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह की बेअदबी और मदीना मुनवरा का माहौल ख़राब ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अदब की वजह से उन्हें हुक्म था, अगर किसी कटे पत्थर को अपनी जगह बिठाने के लिए चोट लगाने की ज़रूरत पेश आए तो मोटे कपड़े को पत्थर पर तह ब तह यानी कई बार फोल्ड करके रखें, फिर लकड़ी के हथौड़े से आहिस्ता आहिस्ता से चोट लगाएं ताकि आवाज़ पैदा ना हो, और अगर तरमीम की ज़रूरत हो तो उसे वापस उसी बस्ती भेजा जाए जहां वो उसे काट कर दुरुस्त किया जाए। माहरीन को हुक्म था कि हर शख्स काम के दौरान बावजू रहे और दुरूद शरीफ और तलावत कुरान में मशगूल रहे। हुजरा मुबारक की जालियों को कपड़े से लपेट दिया गया कि इर्द गिर्द गुबार अंदर रोज़ा पाक में ना जाए। सतून लगाए गए कि रियाजुल जन्ना और रोज़ा पाक पर मट्टी ना गिरे। ये काम 15 साल तक चलता रहा और तारीख़ आलम गवाह है, ऐसी मोहब्बत ऐसी अकीदत से कोई तामीर ना कभी पहले हुई और ना कभी बाद में होगी।